नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम परिक्रमा और मैं हूं कल्पना सिंह। आज बात करते हैं एक ऐसे स्थान की जो गिद्ध के चोंच के आकार वाले अनोखे पत्थरों के कारण विश्व विख्यात है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने संपूर्ण उपदेशों का निचोड़ प्रदान किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में बसे गिद्धकूट पर्वत की। राजगीर शहर से थोड़ी ही दूर पर मनोरम हरियाली के बीच स्थित है गिद्धकूट पर्वत। पर्वत की चोटी पर स्थित विश्व शांति स्तूप के निचले सतह में स्थित इस पर्वत का नाम वही चारों ओर मौजूद गिद्ध के चोंच के आकार वाले अनोखे पत्थरों के कारण गिद्धकूट पर्वत पड़ा। यह बुद्ध ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया। गिद्धकूट पर्वत पर ही किसी ने निर्वाण के समय कमल सूत्र की उत्पत्ति की थी, जो सभी के लिए उन्नति एवं कामना का प्रतीक है। बुद्ध ने अपने गिद्धकूट पर्वत प्रवास के दौरान आनंद को बताया कि यहाँ दिए गए उनके उपदेश उनके संपूर्ण ज्ञान का निचोड़ हैं। महाकश्यप में उन सभी बातों को संग्रहित किया एवं शाक्य मुनि ने उन्हें नागाओं के संरक्षण में रखा। जब चीनी यात्रियों ने गिद्धकूट पर्वत का भ्रमण किया तो उन्होंने इसे हरित एवं वीरान पाया। पाहियान ने यही एक गुफा होने की बात कही है, जबकि हुएनसांग ने इसके नीचे एक बड़े कक्ष के होने की बात कही है, जहां बैठकर बुद्ध लोगों को उपदेश दिया करते थे। हुएनसांग के अनुसार एक समय यहां एक मठ था जिसमें बहुत से अनुयायी ध्यान लगाते थे। इस पर्वत पर काफी शांत वातावरण है एवं घूमने की दृष्टि से यह एक अति रमणीय स्थान है। आज हमने आपको रूबरू करवाया गिद्धकूट पर्वत से, तो इसी के साथ लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमस्कार।